हे दोस्तों, क्या कोई ट्रिप पर जाने का प्लान चल रहा है आपका भी? अगर हाँ तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, जहाँ मैं आपको कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में बताने वाला जो आपके ट्रिप में काफ़ी हेल्प करने वाले, जो आपके कंफर्टेबल और इन्जॉयफुल आपके ट्रिप को बना सकते हैं। तो चलिए देखते इस वीडियो को। हे दोस्तों, टेक्निकल मैगोट फिर सबसे का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम कई सारे ऐसे गैजेट्स के बारे में बात करने वाले जो कि आपके किसी भी ट्रिप में अगर लेकर चलते हैं तो ये आपके ट्रिप को काफ़ी कंफर्टेबल और इन्जॉयफुल बना सकता है। तो कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गैजेट्स की बात करते हैं जो कि है लगेज स्कूटर। दोस्तों, लगेज स्कूटर एक छोटा सा स्कूटर जैसा पहिया आता है, जो कि आप किसी भारी भरकम बैगेज को अगर आप इसके लग कर काफ़ी अच्छे से ट्रेवल कर सकते हैं, जो कि आपको कुछ भार उठाना ना पड़े। ये कुछ बेसिक सारी चीज़ें होती है दोस्तों जो कि हमें लेकर चलना चाहिए। अक्सर ये होती है जैसे वेदर प्रूफ कैसेस होना चाहिए आपके पास, या तो फिर कॉम्पैस होना चाहिए, फ्लैश ड्राइव होना चाहिए, चार्जर होना चाहिए, पावर बैंक होना चाहिए। इसके स्मार्टली अगर कुछ बात करते हैं, जैसे हम पावर बैंक लेकर चलते हैं तो अगर हम सोलर पावर बैंक या तो फिर सोलर चार्जर लेकर चलते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि अगर हम कहीं बीच में फंस गए तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। इसके आगे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो कार चार्जर लेकर चल सकते हैं, और हम अगर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई भी कैमरा या कुछ वीडियो रिकॉर्डर लेकर चलते हैं तो यहाँ पे अगर हम किसी सनग्लासेस को, ऐसे सनग्लासेस को यूज़ कर लेते हैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके तो कितना बढ़िया होगा। तो अगर हम किसी भी चीज़ को एंजॉय करें तो उस टाइम भी हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हालांकि मुझे कैमरा पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे भी अगर आपका बजट अच्छा है तो आप एक ड्रोन परचेस कर सकते हैं। अगर ड्रोन परचेस करते हैं तो आपको हर एंगल से एक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। दोस्तों, हम बाहर जाते हैं तो हमें पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है, इसके वजह से हेल्थ खराब हो जाता है, कहीं कहीं पानी पीना पड़ता है, कोई सा भी पानी पीना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे बॉटल को लेकर चलते हैं जो कि एक वाटर प्योरीफायर भी हो तो कितना बढ़िया होगा। तो ये ऐसे बॉटल्स काफ़ी सारे मार्केट में मिल जाते हैं दोस्तों, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, जो कि एक छोटे से बॉटल होता है, इसमें आप पानी डाल दें तो आप इसे वाटर प्योरीफायर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सोलर। इसके बाद बात करते हैं अगर हम कहीं बीच में फंस गए, अगर हम कोई जंगल में है तो यहाँ पे एक सोलर चार्जर अगर लाइट लेकर चलते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा हमारे लिए, जो कि काफ़ी कहीं भी अगर हम चार्ज करना चाहें तो इसे चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं रात में। दोस्तों, कहीं भी अगर हम जाते हैं बाहर तो ये अक्सर हम ठंड के दिनों में जाते हैं तो हमारे लिए एक गर्मी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर एक फुट वार्मर भी आता है जो कि आप अगर परचेस कर लेते हैं थर्मासेल की तरफ से, एक जैसा फुट वार्मर आता है, तो अगर आप इसे परचेस करते हैं तो आपको गर्मी देने के लिए काफ़ी बेहतर है, जो कि रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। आप इसे आप टेम्परेचर हाई या लो कर सकते हैं। अगर आप किसी ट्रिप पर गए हैं और वहाँ पे आप अगर इंजॉय करना चाहते हैं किसी सॉन्ग्स को, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप कोई ब्लूटूथ स्पीकर लेके चले। इसके आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम गो टेन जैसे कोई डिवाइस लेकर चलते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है हमारे लिए, बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। अगर हम एक दूसरे से बिछड़ गए, हम मान लीजिए गो टेन से कनेक्टेड है तो एक दूसरे के साथ अपना कम्युनिकेशन बना सकते हैं। अगर हमारे मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तब भी हम गो टेन जैसे डिवाइस से अगर कनेक्टेड है तो या 50 मील तक हम अगर आगे चले गए तो एक दूसरे के साथ चैटिंग करके या लोकेशन शेयरिंग के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल डिवाइस है मेरे नज़र में। होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा ये डिवाइस और ये वीडियो। बस इतना ही था दोस्तों। आपको अच्छा अगर लगा ही वीडियो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।